हम चलते हैं रामेश्वरम के सबसे खूबसूरत स्थान धनुषकोडी पर। धनुषकोडी में संगम स्थल भी है जहां अरब सागर और हिंद महासागर आपस में मिलते हैं, और यहीं से राम सेतु का निर्माण भी हुआ था, और श्रीलंका का बॉर्डर भी यहां से दिखाई देता है। तो गाइस अभी मैं पहुंच चुका हूं धनुषकोडी। धनुषकोडी रामेश्वरम का बिल्कुल लास्ट एरिया है, और धनुषकोडी से ही भगवान ने पांडव सेना के साथ में राम सेतु बनाया था, सेतु बंद बनाया था। हालांकि सेतु बंद अब दिखाई नहीं देता है, आप सैटेलाइट पिक्चर देखेंगे, गूगल अर्थ पर आप सर्च करेंगे तो आपको धनुषकोडी से लेके श्रीलंका तक राम सेतु समुद्र के अंदर एक रेखा के रूप में दिखाई देगा। तो अभी हम आपको दिखा रहे हैं, खास बात यह है कि यहाँ पर अरब सागर और हिंद महासागर का संगम है, इसलिए इस स्थान को संगम भी बोलते हैं। तो आप देखिए ये जो है लेफ्ट साइड से ये हिंद महासागर है, और राइट साइड भी हम आपको दिखाएंगे, ये राइट साइड से अरब सागर आ रहा है। तो दोनों लहरें आमने सामने आकर मिलती हैं, इसलिए इस स्थान को संगम भी बोलते हैं। रामेश्वरम से लगभग 28 किलोमीटर दूर ये स्थान है, और यहीं समुद्र के अंदर से रास्ता जाता है श्रीलंका के लिए राम सेतु जो भगवान ने बनाया। पहले राम सेतु यहाँ से दिखाई देता था कुछ गहराई में, लेकिन अब और ज़्यादा गहराई में राम सेतु पहुँच गया है, क्योंकि भगवान जब लंका पर चढ़ाई करने गए थे तो वहाँ से लौटते वक्त ही राम सेतु अंदर चला गया था। भगवान फिर पुष्पक मान से वापस अयोध्या गए थे रामेश्वरम होते हुए। बहुत खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का, आप देखिए बिल्कुल नीला पानी दिखाई दे रहा है समुद्र का। ये हिंद महासागर है, और राइट साइड में आप देखिए हिंद महासागर की लेफ्ट साइड से लहरें आ रही है, और राइट साइड से आपको पाई पाई जो लहर अरब सागर। धनुषकोडी से श्रीलंका का बॉर्डर भी दिखाई देता है, दूरबीन के जरिए देखा जाता है। लगभग 18 किलोमीटर दूर यहां से श्रीलंका है इस धनुषकोडी के संगम स्थल से, कूप के जरिए यहां से श्रीलंका का बॉर्डर देखा जा सकता है। धनुषकोडी में खाने के लिए भी कई सारी चीजें मिल जाती हैं, जैसे आप देख सकते हैं ये आम है, खीरा है, पीनट है, पाइनएप्पल और तरबूज। लोग यहाँ आते हैं, टूरिस्ट यहाँ आते हैं और इन सब चीज़ों का भी मजा लेते हैं। अब देखिए कितने सारे टूरिस्ट धनुषकोडी संगम स्थल के दर्शन करने के लिए आते हैं।